तो वहीं गुना में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां अनोखा विरोध प्रदर्शन कर स्वास्थ्य कर्मियों और कांग्रेसियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। एचओ के पद पर पदस्थ हूँ पिछले 2 साल से, भमोरी ब्लॉक में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। हम लोग पिछले 20 वर्ष से पदस्थ हैं। कुछ संविदा कर्मचारी हमारे पिछले 20 साल से भी पदस्थ है, उनकी स्थिति आज भी वैसी ही है जो 20 साल पहले थी। कोरोना काल सभी सरकार ने भी देखा है, हम लोगों ने भी उससे लड़ा है। हम 24 घंटे अपनी सेवाएं सरकार के लिए दे रहे हैं, तो सरकार हमारी मांगों को क्यों ना पूरी। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं हम लोगों को नियमित किया जाए, और साथ में जो 2018 में जिन लोगों को वापस बाहर कर दिया था उनको बहाली की जाए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम अनिश्चित वाले हड़ताल पर ही रहेंगे। सैलरी कितनी आपकी? अपने सेंटर में 18 घंटे ड्यूटी करती हूँ, जो कि इससे सारी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन मैं मेरे सेंटर में 18 घंटे समय आधी रोटी मिल रही है। उसी का मतलब ये है कि हम आधी रोटी मिल रही है, वो हम सरकारी जाने समस्या हल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारा तो इतना वेतन भी नहीं मिल रहा है ना, जिससे हम हमारे परिवार का पालन पोषण करेंगे, जिससे हम खाना पड़ रहा है।